फेसबुक डेटा लीक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें करीब 1,00,000 लोगों का डेटा लीक होने का दावा किया गया है। इस डेटा पर स्कैमर्स की सीधी नज़र थी। साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ताओं ने एक रिपोर्ट में इस लीक की जानकारी दी है, जिसमें फेसबुक यूजर्स की सुरक्षा में सेंध लगने का नया मामला सामने आया है। नई दिल्ली में स्थित साइबर पीस की टीम ने इस डेटा लीक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 1,00,000 नए फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। यह डेटा लीक ब्रीच फोरम पर भी उपलब्ध है। साइबर पीस की रिपोर्ट के अनुसार लीक हुए डेटा में यूजर्स के पूरे नाम, प्रोफाइल, ईमेल, फोन नंबर और लोकेशन की जानकारी शामिल है। इस पर्सनल डिटेल की मदद से स्कैमर्स को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तक इस लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या समूह की पहचान नहीं हो पाई है। साइबर पीस ने दावा किया है कि अभी फेसबुक को इस पर प्रतिक्रिया देनी है। जांच चल रही है कि यह डेटा किसने लीक किया है और साइबर क्रिमिनल ग्रुप की पहचान की जा रही है। इस लीक से एक बार फिर डेटा सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है और डिजिटल स्पेस में यह सवाल खड़ा हो गया है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स की जानकारी कितनी सुरक्षित है। मेटा ने पहले भी खुलासा किया था कि स्कैमर्स की निगाह सोशल मीडिया यूजर्स पर है, जिससे हर यूजर्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेटा समय समय पर सिक्योरिटी को लेकर नए कदम उठाता है, लेकिन इस नए डेटा लीक से यूजर्स के लिए साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद फेसबुक यूजर्स को अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आप अपने फेसबुक अकाउंट की प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए सेटिंग्स में मिलने वाले 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं, जिसमें अक्षर, संख्या और सिंबल इत्यादि शामिल हों। इसके अलावा फेसबुक पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग को चेक करें और अपने हिसाब से सेटिंग्स को अपडेट करें। इस डेटा लीक की घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, जिससे हर सोशल मीडिया यूजर को अवगत रहना चाहिए।